आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इंटर का रिजल्ट घोषित होने के बाद 7 बच्चों ने इंटर की परीक्षा में प्रदेश में तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को कॉलेज में मिठाई खिलाकर और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र के पिता मुंबई में मजदूरी कर परिवार चला रहे हैं और माँ घर गृहस्थी देख रही है। जिले के शहर स्थित रघुवंशपुरम इंटर कॉलेज के छात्र प्रियांशु उपाध्याय ने इंटर कॉलेज की परीक्षा में 500 में 485 अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आज रिजल्ट घोषित होने के बाद कॉलेज में गुरुजनों ने छात्र प्रियांशु का मिठाई खिलाकर और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इंटर की परीक्षा में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर जब एसके लाइव न्यूज संवाददाता ने प्रियांशु उपाध्याय से बातचीत की तो छात्र ने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। घर का वो इकलौता है और मां नीतू घर चलाती है। पिता अजय कुमार परिवार का खर्च पूरा करने के लिए मुंबई में एक जगह पर मजदूरी करते हैं। छात्र ने बताया कि वो पढ़ लिख कर आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करने के साथ गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करना चाहता है। जिस तरह से उसके पिता मजदूरी कर उसे पढ़ा रहे हैं, उससे उसे ये शिक्षा मिलती है कि गरीब बच्चों को पढ़ाना भी एक नेक काम है। जिले से प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली एक छात्रा खुशी देवी मुस्तफापुर हुसैनगंज की एक इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। इंटर में प्रदेश में 2 छात्र निखिल तिवारी और विक्रम सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, जिनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं प्रदेश में पांचवा स्थान पर 3 छात्रों ने नाम रोशन किया है, जिसमें अंशु कुमार, अंकुश और अंजना देवी मुस्तफापुर हुसैनगंज इंटर कॉलेज से हैं। आपको बता दें कि जिले से इंटर की परीक्षा में 7 बच्चों ने नाम रोशन किया है। हाई स्कूल में फतेहपुर जिले स्तर पर बाल मंदिर इंटर कॉलेज की दिव्यांशी अवस्थी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले फतेहपुर जिले के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र की और गांव की रहने वाली छात्रा खुशी यादव ने इंटर की परीक्षा में प्रदेश में गांव सहित फतेहपुर जिले का नाम रोशन किया। खुशी यादव ने एसके लाइव न्यूज संवाददाता फतेहपुर से बातचीत की और बताया कि वो काफी खुश हैं और वो 4 बहन हैं और एक भाई। पिता LIC एजेंट हैं और माँ सरकारी स्कूल में टीचर। खुशी ने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है क्योंकि गांव में इलाज नहीं मिलने से ग्रामीणों को काफी तकलीफ होती है। फतेहपुर से कामता सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी, कौन सा स्कूल में आप पढ़ी हो? क्या रैंक है आपकी प्रदेश स्तर में? 5वीं रैंक है एस इंटर कॉलेज से। कौन सी क्लास की? इंटर की। तो कितने नंबर हैं आपके? 483 जी। तो जो आपको सफलता मिली है तो इस पे आप किसको श्रेय देंगी? विद्यालय परिवार को। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नौगांव में रहती हूँ। मेरे विद्यालय का और मेरे परिवार वालों का और खुद की सेल्फ स्टीम की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ। और मेरे 483 नंबर है, यूपी में 5वीं रैंक आई है और मैं UPSC क्रैक करना चाह रही हूँ ताकि मेरे परिवार वालों को गर्व महसूस हो। और बस कहना चाहती, मैंने बहुत हार्ड स्टडी की है, सेल्फ स्टडी बहुत की है और मेरे गुरुजनों को बहुत सहयोग है। कौन सा विद्यालय में आप पढ़ी है, किस जिले का? सुखनंदन शुक्रानी इंटर कॉलेज मुस्तफापुर हुसैनगंज फतेहपुर में पढ़ रही हूँ। आगे चलकर आप क्या करना चाहेंगे? इतने अच्छे जिस तरह से समाज लड़कियों को पीछे कर रहा, हम देख रहे हैं कि लड़कियां प्रदेश स्तर में इस तरह के नाम ला रही हैं, चाहे UPSC में हो, चाहे हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट रहा हो, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये समाज है, इसमें क्या कर, पर आज की डेट में जो है बच्चियां बहुत आगे जा रही हैं और इससे लोगों को और समाज को भी सोचना चाहिए कि बेटियों को ज़्यादा उच्च शिक्षा दी जाए, क्योंकि बेटों से ज़्यादा बेटियां आजकल की मेहनत कर रही हैं और वो घर का भी देखती हैं और बाहर का भी, स्टडी भी बहुत अच्छा करती हैं। पर अब लोग हैं, क्या समाज है ऐसा, पर बेटियों को उच्च शिक्षा दी जाए, मेरा ये मानना है। क्या किस तरह की स्कूल देना चाह रहे हैं? मेरे टीचर्स, मेरे मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर, मेरे दोस्त और मेरे पेरेंट्स। फैमिली क्या बैकग्राउंड है आपका? फैमिली बैकग्राउंड सर, फादर एक मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी में एक वर्कर हैं जो मुंबई में रहते हैं और हम और मम्मी यहाँ फतेहपुर में रहते हैं रूम लेके। आगे क्या करना चाह रहे हैं? सर लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है, फिर उसके बाद UPSC क्रैक करना है। ऐसा क्यों? सर पहला तो सर देश के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना है, इसलिए NDA लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह। और UPSC क्रैक करने से हम इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी प्रॉब्लम तो हमारी लगभग
हमारे पास अच्छी सेना है जो कंट्रोल कर रही है, बट अंदर खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।